जुदा हम हो गए माना, मगर ये जान लो जाना, कभी मैं याद आऊं तो चले आना, चले आना। तो अगर कभी मेरी याद आई, यानी ऑडिशन के बारे में जानना हो या फिर एंटरटेनिंग ब्लॉग्स के बारे में जानना हो, तो कन्हैया बरेली ब्लॉग्स के पास चले आना। सो हेलो एवरीवन, मैं हूं कन्हैया बरे और आपको बहुत ही ज़्यादा स्वागत है आपके अपने व्लॉग में, यानी कन्हैया बरे व्लॉग्स में। तो जैसा कि मैंने एक कम्युनिटी पोस्ट डाला हुआ था और उस पर आपके बहुत सारे कमेंट आए, हालांकि बहुत सारे लोगों ने कमेंट नहीं भी किया, चलो कोई बात नहीं, मेरा तो काम है आपको बताना। तो बहुत सारे क्वेश्चंस आए, लेकिन क्वेश्चंस के आंसर देने से पहले, इंडियन आइडल के बारे में बताने से पहले, मैं आपको बताऊंगा कि भाई बहुत सारे ऐसे लोग हैं, देखिए मैं आपकी ये तो है हेल्प करता हूँ, और उसमें भी कुछ लोग ऐसे कमेंट करते हैं जिससे मुझे थोड़ा दुख होता है यार, कि मतलब मैं हेल्प भी कर रहा हूँ और लोग बोलते हैं कि यार वीडियो बनाने के चक्कर में आप कुछ और इन्फॉर्मेशन मत देना, इंडियन आइडल के बारे में ही देना। आप मेरी पुरानी वीडियोज़ को जाकर देखिए, जितनी भी वीडियोस मैंने बनाई है ऑडिशन के मामले में, मैंने आपको टोटली एग्जैक्टली वही बताया है जो एग्जैक्टली आपको कहीं और सुनने नहीं मिलेगा फेस टू फेस। बहुत सारे आपने ऑडिशन के वीडियो देखे होंगे, लोग अपने फेस भी रिवील नहीं करते हैं, मैं आपको अपने फेस के साथ में रिवील करके बताता हूँ कि आपको ऑडिशन कैसे देनी है, कहाँ देनी है, कब देनी है, सारा ही सब कुछ बहुत ही डिटेल से अच्छे से बताता हूँ और लीगल तरीके से बताता हूँ, कोई गलत नहीं बताता हूँ। फिर भी कुछ लोग ऐसे हैं जो ऐसे कमेंट करते हैं जिससे हम जैसे क्रिएटर लोग को ऐसा लगता है यार कि मैं बता रहा हूँ तो सही तो कर रहा हूँ ना, लोगों को हेल्प सही तो कर रहा हूँ ना बताकर। तो चलो कोई बात नहीं, ऐसे हिटर्स को हम साइड में रखते हैं, बात आती है आपके हेल्प की, तो मैं ज़रूर करूँगा आपकी हेल्प, क्योंकि मैं खुद भी एक सिंगर हूँ और मैं खुद भी एक रियलिटी शो में जाना चाहता हूँ। तो चलो कोई बात नहीं, बात करते हैं हम जिस टॉपिक पे आया हूँ मैं यहाँ पर आज आपसे ये बात करने के लिए। तो कुछ पेपर में मैंने पॉइंट्स लिख के रखे हैं, ज़्यादा वीडियो नहीं बड़ा बनाऊँगा और लीगली आपको बस 5 पॉइंट के आंसर दूंगा, जो कि आप अगर वीडियो पूरा देखोगे तो वापस आपको पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो पहला पॉइंट ये है कि इंडियन आइडल ऑडिशन कैसे होंगे। तो इंडियन आइडल ऑडिशन, अब आप जानते हो, पिछले व्लॉग में भी मैंने बताया है कि इंडियन आइडल के ऑडिशन जो हैं वो अब ऑनलाइन होंगे। अगर थोड़ा ज़्यादा देरी होती है इंडियन आइडल को आने के लिए, यानी इंडियन आइडल 13 हिंदी जो आने वाला है, अगर उससे थोड़ा ज़्यादा देरी होती है आने में, तो हो सकता है ऑफलाइन भी ऑडिशन हो, लेकिन जहाँ तक मैं जानता हूँ कोविड के वजह से हो सकता है कि आपको ऑनलाइन ऑडिशन पहला राउंड देना पड़े, जिस तरह से मैंने सारेगामापा वीडियो में दिया हुआ था। पहला मैंने ऑनलाइन ऑडिशन दिया, सेकंड राउंड जो है मुझे उन्होंने स्टेज पर बुलाया, आई मीन ग्राउंड ऑडिशन के लिए बुलाया, तो सेकंड राउंड आपको देने जाना पड़ेगा इंडियन आइडल का भी वैसे ही। तो फर्स्ट राउंड जो होगा वो आपका ऑनलाइन होगा, सेकेंड राउंड जो होगा वो आपका स्टेज पर, यानी वहाँ पर आपको ग्राउंड ऑडिशन के लिए बुलाएंगे। सेकेंड जो है इंडियन आइडल के जज को होंगे, इंडियन आइडल के जज जो है वो लास्ट तक कभी डिसाइडेड नहीं होते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि शो चालू होने से 2 दिन पहले भी जज बदल जाते हैं। तो जैसा कि आप जानते हो विशाल ददलानी सर ने, आई थिंक सो जहाँ तक मैंने सुना है, कि इनेल के बारे में बोला था कि मैं अब इनेल नहीं करूँगा, वो तो उनकी पर्सनल है, मैं उसमें कुछ डिस्कस नहीं करना चाहता। तो जहाँ तक है विशाल ददलानी सर तो होंगे ही होंगे, नेहा कक्कर मैम भी होंगी और हिमेश, ये तीनों की जोड़ी तो एज यूजल फेमस है, इस वजह से इनेल को TRP भी अच्छी खासी मिलती है, तो यही होने चाहिए। थर्ड जो है यहाँ पर इनेल का सॉन्ग कैसे प्रिपेयर करें, तो इंडियन आइडल का सॉन्ग प्रिपेयर करने के लिए मैं सबसे पहले बात बताऊं, जब आप ग्राउंड ऑडिशन के लिए जाते हो ना, तो वहाँ पर आप जब पहले राउंड में तो आप ऑनलाइन दोगे, सेकंड राउंड में भी आप जज ऑडिशन तक नहीं पहुँचोगे, पहले आपको करना होगा फेस, कुछ नए जजेस होते हैं, यानी उनके लोकल जजेस जो होते हैं वो लेते हैं ऑडिशंस। तो उसमें आप जब जाओगे तो आपको पहले पूछेंगे आप गाना कौन सा गाना चाहते हो, आपका स्केल क्या है, एवरीथिंग, ये सारी जानकारी आपसे वो जानबूझ कर लेते हैं, ताकि पता चल जाए कि आप कितने रंजे हुए कलाकार हो। अगर आप सब कुछ आंसर एकदम बराबर देते हो, आप वहाँ पर जाके आपका परफॉर्मेंस बोलचाल में हेलो इंट्रोड्यूस आपको करेंगे वो नॉर्मल जजेस थर्ड राउंड जाने से पहले। तो अगर आप वो सब कुछ दे दोगे, स्केल आप बराबर दे दोगे, तो वहीं आपका सिलेक्शन एक तरफ का हो जाता है कि ये आगे जाएगा। तो स्केल आपका क्या है, अगर आप एक संगीतकार हो, आपने म्यूज़िक जो है वो सीखी है, तो आपको बराबर पता चल जाएगा कि आपका स्केल क्या है। अगर आपने म्यूज़िक नहीं सीखी है तो आप मुझे भी कमेंट में करके पूछोगे कि सर स्केल क्या होता है। तो आप अगर एक म्यूज़िक सीख चुके हो और नहीं भी सीखे हो तो सीख लियो, अभी भी टाइम है, मैं बताऊंगा आगे का क्वेश्चन। फिर ये क्वेश्चन और मुझे पूछा गया कि इंडियन आइडल की जो 50 MB की वीडियो होती है वो कैसे बने, क्योंकि बहुत सारे लोग वीडियोस वो तो बनाते हैं, वो पहुंच जाती है 1 GB 1.5 GB, तो 50 MB की वीडियो जहाँ तक एक रजिस्ट्रेशन के लिए मांगी जाती है, 15 MB का जो वीडियो है वो मांगा जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा 3 मिनट तक आप वीडियो बना सकते हो, उसमें 3 मिनट में आपको 15 MB का ही वीडियो बनाना होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है, वो 15 MB से ज़्यादा बन जाता है।
तो वीडियो एडिट कैसे करें, 15 MB, 48 MB, 49 MB कैसे बनाएं, अगर आप चाहते हो तो मुझे बताना, ये भी मैं आपकी हेल्प करने के लिए रेडी हूँ। मेरा चैनल व्लॉग का है लेकिन फिर भी मैं ये चीज़ें अपलोड करता हूँ, इससे मेरे चैनल पर भी थोड़े से इशू आते हैं, YouTube समझ नहीं पाता कि मेरा चैनल एग्जैक्टली किस लिए, आप ऑडिशन के लिए है या फिर व्लॉगिंग के लिए, तो फिर मैं आपको वो भी मैं करने के लिए रेडी हूँ, मैं आपको सिखा दूंगा। अगर आप चाहते हो तो कमेंट कर देना कि कैसे 15 MB के बराबर 50 MB की वीडियो कैसे बनाएं, अगर चाहते हो तो कमेंट कर देना, मैं बता दूंगा। ठीक है, चलते हैं आगे। लास्ट क्वेश्चन है, इंडियन आइडल का रजिस्ट्रेशन कब चालू होगा? बहुत बड़ा सवाल पूछा जाने वाला। तो इंडियन आइडल जो है वो मैं आपको बता दूँ, अभी फ़िलहाल आज तारीख है 8 नवंबर 2021, पता नहीं आप कब देखोगे वीडियो, तो 8 नवंबर 2021 जो है ये चालू है इंडियन आइडल जो ऑडिशन है, अभी फ़िलहाल चल रहा है इंडियन आइडल मराठी। इंडियन आइडल मराठी ख़त्म होने के बाद कहीं ना कहीं इंडियन आइडल 13 हिंदी ऑडिशंस चालू होंगे, यानी टोटल मान के चलो 7 से 8 महीने, जहां तक मैं जानता हूं 7 से 8 महीने जाते हैं, और ये 7 से 8 महीने आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सीख सकते हो आप। अगर आप सीखे नहीं हो तो आप बहुत कुछ सीख सकते हो, मेरे ब्लॉग से जुड़े रहिए, कुछ ना कुछ अपडेट मैं भी लेकर आता रहता हूँ। एक और सवाल जो मुझसे बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि इंडियन आइडल का सॉन्ग कैसे, कौन सा सॉन्ग है जो प्रिपेयर करें जिससे सिलेक्शन होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं? तो इंडियन आइडल है ना, जब आप ऑडिशन देने आते हो ना तो वहाँ पर क्लासिकल ज़्यादा चलता है, सो इंडियन आइडल ऑडिशन में ना क्लासिकल सॉन्ग्स बहुत ज़्यादा चलते हैं। अगर आप क्लासिकल गाना गाओगे तो आपके चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं कि आप उस राउंड में सिलेक्ट हो जाओ। क्लासिकल जब मैं सारेगामापा में गया हुआ था तो बहुत सारे लोग ये गाना गा रहे थे, तेरा नाम गाना आपको पता ही होगा। तो इस तरह से कुछ क्लासिकल आप लीजिए, आपके चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं सिलेक्ट होने के लिए। और वाकई में अगर आप क्लासिकल गा सकते हो तो ही गाना, वरना अगर आप कोशिश करोगे क्लासिकल गाने की आप नहीं गा पा रहे हो तो पक्का आपका रिजेक्शन वहीं पर हो जाएगा, क्योंकि अगर आपको क्लासिकल नहीं आती तो आप कुछ और चूज़ कर सकते हो। ये तो मैं इसलिए बता रहा हूँ, अगर आप क्लासिकल गा सकते हो तो ज़रूर आइएगा, सिलेक्शन बहुत फास्ट होता है इसके, ऐसे कुछ गाने से। ज़रूरी नहीं यही गाना, कोई और भी गाना भी आप ले सकते हो, लेकिन क्लासिकल गाना ही ज़रूर लेना। तो बस इतना ही, ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। अगर अभी भी आपके दिल दिमाग में कोई क्वेश्चन है तो प्यार से आप मुझे पूछ सकते हो, ऐसा कुछ मत बोलिए कि मुझे ऐसा लगता है यार मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ और लोग मुझे कुछ भी बोल कर निकल जाते हैं, अच्छा नहीं लगता है। एज अ क्रिएटर बस मैं चाहता हूँ कि मैं आपकी हेल्प करूँ और कुछ अच्छी इन्फॉर्मेशन आप तक लेकर आऊँ, देर से ही सही लेकिन कुछ अच्छी लेकर आऊँ और कुछ लीगल लेकर आऊँ, ताकि उससे आपकी हेल्प हो जाए। और एक चीज़, आप ऑडिशन देने जाओगे तो नीचे लिखा होगा कि आपने हमारी ऑडिशन अपडेट्स कहाँ से पाई हैं, आप मेरा नाम भी लिख सकते हो कन्हैया बड़े ब्लॉग से, यूट्यूब से, हो सकता है अगर आप अच्छा गाते हो तो चांसेस कुछ, ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, आप समझ जाओगे। तो बस इतना ही कुछ, ज़्यादा कुछ और ना बोलते हुए वीडियो को करूँगा यहीं पर एंड, फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में, किसी नए कॉन्टेंट में, और इस बार आऊँगा मैं ब्लॉग के साथ, ठीक है, तो ब्लॉग भी देखिए, बहुत सारे अच्छे से एंटरटेनिंग ब्लॉग्स मैंने बनाए हैं। तो फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में, किसी नए स्टोरी के साथ में, किसी नए ऑडिशन अपडेट के साथ में, या फिर एंटरटेनिंग ब्लॉग के साथ में। ठीक है, टाटा बाबा, अपना ख्याल रखिएगा।